हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रीता कुमारी सिंह। तो आज मैं लेकर के आ गई हूँ फिर एक न्यू ब्लॉग्स, और मेरी वीडियो जो है अपलोड करने में थोड़ी सी लेट हो रही है बिकॉज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, और मायका भी आई हुई हूँ, ससुराल और मायका दोनों हो रही है। तो मैं यहाँ पर अभी अपने घर में हूँ, वहाँ पे मैं कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल रही हूँ। जिस दिन मैं निकलूँगी उस दिन का है, क्योंकि कपड़े छोड़ करके मैं जा नहीं सकती। वो बेबी का जो है यूरिन पास किया हुआ सारे कपड़े होते हैं, तो बच्चे का कपड़ा तो लेकर के ही जाना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे भिंगा दिया, तब तक मैं यहाँ पे बर्तन वगैरह सब वॉश कर रही थी। जब घर में कोई ना हो तो जाने से पहले टोटल कम्प्लीट करके ही हमें जाना पड़ता है। और यहाँ मैं गर्म पानी ले रही हूँ लेकर जाने के लिए, गाड़ी में लेकर जाने के लिए बेबी के लिए, थोड़ा सा उसको ज़रूरत होता है गर्म पानी का। तो बस यहाँ पे है, पैकिंग मैं नहीं दिखा पाई थी, और बेबी यहाँ पे तैयार हो गया है और एकदम व्यस्त है कब मैं निकलूँ। तो प्रणाम कर रहा है निकलने से पहले भगवान जी को, जैसे हम लोग को देखता है वैसे ही करता है। ये देखिए कितना प्यार से कर रहा है, हम लोग भी किए ना तो वो देख लिया, तो अभी वो भी प्रणाम कर रहा है और जाने का खुशी में एकदम उसको लग रहा है कब घर से बाहर निकल जाए हम लोग। वो रुकने नहीं मांग रहा है, कितना जल्दी निकलो, परेशान करके रखा है, घर में पूरा दिन बंद रहता है। ये कोरोना के चक्कर में बच्चों को भी बाहर हम लोग निकाल नहीं पाते। अब ये जो आवाज़ मिल रही है ना चेयर वाली, वो मेरी बेबी का। तो बाहर हम लोग आ गए हैं, अभी रूम से बाहर निकल गए हैं, और ये मेरे कुछ बाहर का ही जो व्यू है वो मैं शेयर कर रही हूँ। हमारे अपार्टमेंट का कुछ फ्लावर्स वगैरह हुए थे तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा मैं दिखा दूँ। यहाँ मसीहा है, पूरा मस्ती में है, और इधर से उधर वो भागे जा रहा है, वो एक जगह रह ही नहीं रहा है। मैं वीडियो शूट करूँगी, सोचा अच्छे से हो नहीं रहा है। और यहाँ पर वो बिल्ली जब देख लिया, बिल्ली के पीछे पीछे मसीहा भाग रहा है, और मैं मसीहे के पीछे पीछे हूँ। यहाँ पर बिल्ली से बिल्कुल भी नहीं रहा, मुझे लगा कि डर जाएगा। ये जो फ्लावर है ये सारा मैंने कुछ लिया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था एक्चुअली, नेचुरली देखने में बहुत खूबसूरत दिख रहा था ये। और ये बैठने वाले जगह पे भी इतना मतलब सुंदर से किया हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा था देख। तो मैं ये सारा व्यू आप लोग के साथ शेयर कर रही थी, थोड़ा सा दिखा रही थी आप लोगों को। और ये हमारा गाड़ी जो है खड़ा है, तो मैंने इसके पहले कभी शेयर नहीं किया था आप लोगों के साथ। आज मुझे लगा कि चलो क्यों ना इसको भी थोड़ा शेयर कर दूँ। ये हमारा बहुत टाइम हो गया है लेकिन मैंने कभी शेयर नहीं किया था, आज मन किया कर लूँ। तो ये है हमारी गाड़ी, हम लोग इसी से आना जाना करते हैं मायका ससुराल। तो ये आज मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, देखिए। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को। और मैं यहाँ पे वीडियो बनाने में लगी हूँ, और मसीहा जो है पूरा मस्ती करने में, इधर उधर देखने, मतलब वो कितना भाग पाएगा। ऐसा लगता है ना कि घर में बंद हो, और छूटने के बाद जो होता है, मेरे बच्चे का भी हालत वैसा ही हो गया। बच्चे बाहर खेलने मांगते हैं, दूसरे बच्चों के साथ खेलना पसंद करते हैं, बट ये कोरोना की वजह से बंद है पूरा घर पे। डर से मैं नहीं निकालती। और ये रहा हमारा सब, हम लोग लेकर के जाने के लिए जो भी सामान वगैरह लिए हैं वो सारा भरना हो रहा है। तो बस अब हम लोग निकल पड़े हैं, रास्ते में हैं। मम्मी का घर मैं पहले उतरूंगी, उसके बाद मैं ससुराल जाऊंगी साड़ी वगैरह पहन करके। अगर मैं शूट कर पाई तो दिखाऊंगी, शायद मैंने नहीं ही शूट किया है, सॉरी मैंने शूट नहीं किया है, नहीं कर पाई थी क्योंकि इतना कम समय में नहीं हो पा रहा था। एक तो मैं जैसे तैसे तैयार होकर के गई, फिर वहाँ भी पूजा वगैरह हुआ, तो जो हमारा जो एकादशी है ना उसी का समापन था, तो हम उसके लिए ही गए हुए थे समापन के ही लिए। तो मैं तो सबसे पहला अपना मोबाइल ही भूल कर गई घर पे, और दूसरी बात ये है कि वहाँ जाकर भी बहुत ज़्यादा बिजी थी। बेबी जो है हमेशा मतलब जाते ही परेशान करना स्टार्ट कर देता है वहाँ पे, तो थोड़ा परेशान कर रहा था, नहीं हो पाया। मैंने एक भी क्लिप नहीं ले पाया, एक पिक तक भी नहीं ले पाया है, तो मैं कुछ भी शेयर नहीं की हूँ, जस्ट मैं मायका ही आई हूँ, वो थोड़ा सा शेयर किया है आप लोगों के साथ। तो ये अभी हम लोग रास्ते में हैं, तो मैंने रास्ते का थोड़ा सा व्यू लिया, मुझे ये वाला व्यू बहुत पसंद आता है। मैं जब भी यहाँ से जाती हूँ ये मैं लेना बहुत पसंद करती हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। और जब यहाँ से गुजरते हैं तो वो भी मतलब मन को भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये है कोलकाता का ही ब्रिज है,
हम लोग मैंने गर्म पानी ले लिया है, कुछ खाने के लिए बेबी के लिए कुछ सामान ले लिया है। बस हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। तो कुछ ब्यूटीफुल व्यू है यहाँ पे, जिसका आप लोग भी नज़ारा लीजिए, अच्छा लगेगा। थोड़ा सा ही लिया है, ज़्यादा नहीं लिया है मैंने। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और अब हम लोग आ गए हैं अपने मायका में, और यहाँ पे जो है मेरी मम्मी जो है बाबू को तेल लगा रही है, और वो बच्चे में बोलते हैं ना काज कूज, ये तो उसका पूरा मज़ा ले रहा है, अपने से भी कर रहा है। ये देखिए नानी प्यार से एकदम तेल लगा रही है, और मेरा बच्चा एकदम उसका पूरा मज़ा ले रहा है। नाना बैठ कर के एकदम देख रहे हैं, और हस्बैंड जो है वो टीवी देखने में लगे हुए हैं, फुल एंजॉय कर रहा है मसीहा। यहाँ पे इतने सारे लोग अभी मिले हैं, पूरा दिन वो सिर्फ मेरे साथ होता है, और अभी ये फुल एंजॉय कर रहा है। इतनी शैतानी कर रहा है, इतनी शैतानी कर रहा है, एक भी बात नहीं सुन रहा है। मेरी मम्मी बोल रही है अभी वो नानी के घर में है, उसको पता है कि ना पिटाई पड़ेगी ना डांट पड़ेगी, और नानी के घर में आके बच्चे ऐसे ही करते हैं तो वो भी करेगा ना। तुम क्यों इतना गुस्सा हो रही हो, मैं थोड़ा सा बोल रही थी कि तुम इतना परेशान कर रहा है, मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, और मैं ट्रीटमेंट के लिए भी आई हुई हूँ, जो मेरे टेस्ट बहुत सारे टेस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा टेस्ट है, कोरोना के बाद का टेस्ट है मेरा, और तबीयत ऑलरेडी बिगड़ चुकी है मेरी। तो मैं सोची कि मतलब कि शेयर कर दूं आप लोगों के साथ, लेकिन वो भी मेरा नहीं हो पाया आप लोगों के साथ में। यहाँ पे वो फूल मस्ती में है, टीवी देख रहा है, और इसने मेरी वाली बिंदी लगा रखी है जो मैं पहन करके बिंदी गई थी। ये देखिए, ये वीडियो जैसे ही मैंने ऑन किया तो इसको अब समझ में आ गया है कि यहाँ पे वीडियोग्राफी होती है। देखिए इसको इतना ज़्यादा इतना सारा मुंह बना रहा है, मुझे जस्ट अनबिलीवेबल लग रहा था, मैं मतलब समझ नहीं पा रही थी। तो मैंने बोला चलो इसको सचमुच का कैप्चर कर लेते हैं। उस टाइम मैंने कैमरा ऑन नहीं किया था, ये झुटमुट का ही मुंह बना रहा था। फिर मैंने क्या किया, सच का कर लिया, उसके इतना अच्छा लग रहा है, इतना मज़ा आ रहा है देख करके। बिंदी भी पहन लिया है, तो मेरा छोना छोना बेटी लग रही है देखने में, जो बिंदी पहन करके मैं गई थी ससुराल गई थी वो वाला ही इसने पहन रखा है। देखिए कैसे टेढ़ी आँखों से देख रहा है, बहुत ज़्यादा शरारती हो गया है, बहुत ज़्यादा फुल एंजॉय कर रहा है ये, फुल एंजॉय। तो बस आज के लिए इतना ही, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर नहीं किया है तो, और अपना सभी कोई आप सभी अपना ध्यान रखें। तो टेक केयर, तब तक के लिए बाय बाय।